से क्या होगा। मैं कहूंगा हर जोर जुलम के चक्कर में हड़ताल हमारा नारा, हर जोर जुलम की चक्कर में, हर जोर जुलम की चक्कर में, हर जोर जुलम की। मरु नगरी बीकानेर में पिछले 5 दिनों से भुजिया कारीगरों ने भुजिया बनाना बंद कर रखा है। व्यापारी और भुजिया कारीगर आमने सामने हैं और जब तक इनके आपस में समझौता नहीं होगा तब तक ये भुजिया व्यवसायी और भुजिया कारीगर आपस में इसी तरह सफर करते रहेंगे। हमारे साथ हैं महामंत्री इसी भुजिया व्यापारी एसोसिएशन के वेद अग्रवाल, हम उनसे बात करेंगे। वे जी क्या क्या कहेंगे आप, ये क्यों आखिर ये सब कुछ होता जा रहा है? ये सिर्फ कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पिछले साल जो समझौता हुआ था उसके अंदर त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकार भत्ते और वृद्धि करेगी वो हमारे को करनी है और उसके लिए हम तैयार हैं एकदम। ये लोग कोई इंडिकेशन लाए हैं उसमें 22% की डिमांड कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने पिछली बार 7% बढ़ाया है, तो 7% हम 1 अप्रैल से बढ़ाने के लिए तैयार है। और ये कारीगर लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं कि ये 22% का कोई इंडिकेशन लेके आए, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो जो बीकानेर पे लागू ही नहीं होता, तो 22% बनता ही नहीं है इनका। और कुछ लोग इनको जो नहीं, ये कारीगर लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार है, उनको भ्रम में डाल रहे हैं कि हम आपका 22% बढ़ा देंगे, जबकि 22% इनका बढ़ता नहीं है, इनका 7% ही बढ़ता है और 7% हम देने के लिए तैयार है। इसलिए ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनको भ्रम में रखा जा रहा है, वो भ्रम करना दूर करना जरूरी है। अभी हाल ही ताजा बयान आप लोगों का एक था जिसमें आप लोगों ने ये बात कही थी कि हमारे 3 महीने तक भुजिया का स्टॉक हमारे पास है। सबसे पहली बात भुजिया कारीगरों ने भी सवाल उठाया, क्या 3 महीने तक भुजिया है साफ सुथरा और बिना बदबू रहित कुछ रह पाता है? और दूसरी बात, क्या हमारे पास स्टॉक है? फूड आइटम FSSAI के नियमों के तहत 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहती है और भुजिया 6 महीने तक कहीं खराब नहीं होता है। भुजिया की जो एक्सपायरी डेट है वो 6 महीने है, किसी भी फूड आइटम की 6 महीने है, तो 6 महीने तक भुजिया खराब नहीं होता है किसी का भी। अगर कोई मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट है, अगर कारीगर ने गलत बनाया है, उसको कच्चा निकाल दिया भुजिया, या पैकिंग के अंदर कोई गड़बड़ हो गई तो जरूर खराब हो सकता है, नहीं तो भुजिया 6 महीने तक खराब नहीं होता। स्टॉक सब अपना अपना काम के अनुसार रखते हैं सब, और माल बन रहा है सबका, किसी का कम बन रहा है, किसी का ज्यादा बन रहा है, अभी प्रोडक्शन चालू है, बंद नहीं है किसी का भी। सिर्फ वाबाई लूटने के लिए वो कह रहे हैं नहीं बन रहा है, तो हम माल नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माल आज भी बिकने को, उपभोक्ता को किसी से पूछ लो, सबको भुजिया मिल रहा है, जितना मांग रहे उतना मिल रहा है, 1 किलो मांग रहे उसको 1 किलो मिल रहा है, 50 किलो मांग रहे उसको 50 किलो मांग रहे, 5 बोरी मांग रहे उसको 5 बोरी मिल रहा है, रोजाना गाड़ियां लोड हो रही है आपके को ट्रांसपोर्ट में जाकर के, नमकीन गाड़ियां जा रही है, कहीं कोई प्रोडक्शन बंद नहीं है, सिर्फ कुछ लोग अपनी वाबाई लूटने के लिए बातें कर रहे हैं। व्यापारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि व्यापारी आए दिन भुजिया श्रमिकों को धमका रहे हैं, किसी की पिटाई हो रही है, आज भी बता रहे हैं पिटाई हो रही है, क्या कहें? व्यापारी का काम पिटाई करना नहीं है ना धमकाना है, व्यापारी का काम व्यापार करना है। आपको पता है GST नए कानूनों के तहत व्यापारी वैसे ही परेशान है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, डीजल के भाव रात दिन बढ़ रहे हैं, हमने कभी 1 रुपया नहीं बढ़ाया भाव का अभी तक, आज डीजल के इतने भाव बढ़ गए, पिछले साल 2 साल से भुजिया के भाव नहीं बढ़े हैं, हम खुद सफर कर रहे हैं, किसको परेशान करेंगे, परेशान हम खुद है व्यापारी, व्यापारी काम कहाँ कर पा रहा है, सरकार के इतने बोझिल कानून हो गए, इतने नियम हो गए, हम उसी में पीछे जा रहे हैं, व्यापारी को और कारीगर कहाँ तंग करेंगे, हम तो तुम्हारे भाई है। लेकिन 7% और 22% के मध्य मामला रुका हुआ नजर आ रहा है और बार बार व्यापारी जहाँ एकजुट है सारे व्यापारी, उन्होंने जहाँ एक तरह से काम वहाँ पर नहीं हो रहा है तो दूसरे और व्यवसायी हैं जो खासतौर पर कारीगरों की बात करें, उन्होंने भी काम बंद कर रखा है। बीकानेर में जगह जगह काम बंद है और भट्टियाँ शांत पड़ी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक बीकानेर में भुजिया बनना दोबारा शुरू हो पाएगा। KK सिंह, समा राजस्थान, बीकानेर।